अस्सलामुअलैकुम मेरे चैनल फूड वेलकम सबको वेलकम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपको आपकी जवानी वापस लुटाने वाली है। अगर आपके पास अदरक और कॉफ़ी है, आप दुनिया की खुश नसीब इंसान है। आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त इसके साथ एक ऐसी रेमेडी बनाकर बताऊँगी जो आपकी उम्र को इतना कम कर देगा, आपकी उम्र 20 साल पीछे लेकर आ जाएगा और आपकी जुजुरियाँ चेहरे पर जो पड़ी हुई हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, बिल्कुल बारीक से रिकल्स पड़े हुए हैं, सब खत्म होने वाले हैं। इससे चेहरा हमारा इस कदर खिलकर सामने आएगा। अभी बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं ऐसी अमेजिंग और इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी बनाकर आप सबके लिए लेकर आती रहूँ इंशाल्लाह, और लाती रहूँगी आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी। चले मैं आपको ये रेमेडी बनाकर बताती हूँ। आपने अदरक का इतना बड़ा पीस लेना कि हमारे एक चम्मच हमारा अदरक का पानी हमें चाहिए वो निकला है। इसको अच्छे से हमने अदरक को साफ कर लेना है, ऊपर से छिलका उतार लें आप, और अदरक आपने बिल्कुल साफ सा लेना है। अच्छे से साफ कर लिया इसको, अब इसको क्रश कर लेना है। अदरक को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, अब इसका हम जूस चाहिए, हम इसका जूस निकाल लेंगे। कोई भी आप छन्नी ले लें, कोई भी छन्नी नहीं है, कोई भी कपड़ा मलमल का आप ले लें, उसमें से हमें इसका जूस निकालना है। आधा कप मैंने पानी लिया, इसको गर्म होने देंगे। पानी हल्के से गर्म हो चुका है, अभी 1 टेबलस्पून इसमें कॉफ़ी ऐड कर दूंगी। कॉफ़ी को हम इतना पकाएंगे अपनी मकदार से आधा रह जाए। आधा कप हमने डाला तो आधे का भी आधा रह जाएगा। ये कॉफ़ी के हमारे चेहरे पे इतने अच्छे ज़्यादा फायदे हैं। इससे हमारा रंग साफ होता है और जो कील मुहासे निकलते हैं वो भी निकलना बंद हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर जो ओपन पोर्स खुल जाते हैं उनको भी ये सेट कर देता है। बिल्कुल इतना अच्छा है हमारे लिए कॉफ़ी का। कॉफ़ी हमारे स्किन को टैट करता है, फैन लाइन हमारी ख़त्म हो जाती है इससे। बिल्कुल आप हाथों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं आप, बहुत अच्छी चीज़ है ये कॉफ़ी हमारे चेहरे के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हाथों के लिए। ये अभी हो चुका है, अभी हम इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये मिक्सचर पककर हमारा रेडी हो चुका है। कॉफ़ी का मिक्सचर हम जो अदरक का पानी निकाला था वो ऐड कर देंगे हम। 1 टीस्पून इसमें जेलेटिन पाउडर डाल देंगे। इसको इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा और ज़बरदस्त पेस्ट है और कॉफ़ी हमारे जो चेहरे पे कील मुहासे दाग धब्बे ब्लैकनपन ना जाता, कालेपन की जो परत पड़ जाती है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है हमारी स्किन। इतना अच्छा है ये कॉफ़ी पाउडर। अदरक का जूस भी हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, हमारे चेहरे पर जुजुरियाँ आ जाती हैं उसको ख़त्म करता है, बिल्कुल हल्की सी फैलन पड़ जाती है उनको भी ख़त्म करता है और आगे ना आए उनको भी रोकता है। ये मर्द और जवान जो जिनके जुजुरियाँ चेहरे पे कालापन आ जाता है वो बनाकर ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, लगाएं हाथों पे, लगाएं चेहरे पे, लगाएं। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट इस कदर अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। मैं आपको अभी लैपरन लगा के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, पहले आप अपने हाथ पे अप्लाई करके देखें क्योंकि पेज टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम इसको अपने हाथ पे लगा कर देखेंगे, अगर हमारे हाथ पे कुछ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर अपने हम चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको डालें अपने हाथों पे आप, मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद जब तक ये ड्राई हो जाता है। 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं। अगर इस चीज़ ने आपके हाथ पे कोई रिएक्ट नहीं किया तो आप फेस पे इसको लगा सकती हैं। अब मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ। अब अच्छे से वॉश कर लें, चेहरे को भी वॉश कर लें लगा के, हैंड को भी आप अच्छे से वॉश कर लें। मैं वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके आ गई, आप देखें इसका रिजल्ट देखें। इस हाथ पे मैंने नहीं लगाया था, आप इसका भी रिजल्ट देखें। ये स्किन देखें आप कितनी मेरी टैट लग रही है, और ये देखें जिस बिल्कुल वो जुजुरियाँ लग रही हैं, इकट्ठी हो रही सर्दियों की, ड्राई हो रही है। और ये देखें आप मेरा हैंड, कितना अच्छा रिजल्ट नज़र आया आपको इसका।
ये रेमेडी बनाकर जरूर लगाना, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, आप ट्यूमर से भी कम लगेंगे। आंटी कहने वाले आपको आप ही कहने पे बहुत ज्यादा मजबूर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको लगाती जाएंगे इंशाल्लाह इतना अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।